देखो ये तो मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज़ ये तो सीएम साहब या उनकी टीम ही बता सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर ही जवाब दे सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मेरे हिसाब से कोई ऐसे पैसों की कमी नहीं है, जिस हिसाब से काम चल रहा है, और आने वाले समय में, समय लगता है, हम जैसे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आगे से काम हो, तो लगे हुए हैं सारे काम मेहनत करने। ऐसे उस कंटेक्स्ट को बदल के कहना और एक डॉक्टर के नजरिए से उस पर बात करना, वो बहुत फर्क होती है। 30% पे सरकार बनती है, तो मेरा अगर वो अकाली दल को मैं 0 नंबर देती हूँ और आम आदमी पार्टी आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें मतलब ये था कि मैक्सिमम अगर हम 100% भी काम करें और 6 या 7 नंबर से ऊपर हम नहीं जा सकते, 30% बंदे लोग जिसके साथ हों वो सरकार बना जाते हैं। तो मैं तो पहले ही 40% पे काय खड़ी हूँ। मैंने, मेरा मतलब ये था कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कांग्रेस आगे वाले समय में, आने वाले 25-30 साल में कांग्रेस अपनी सरकार बना के चले, कि हमें 6-7 नंबर तक पहुंचना चाहिए। वो भी एक एक डेमोक्रेसी का रूल है। मैं सड़कों पे घूमती हूँ, लोगों के साथ चलती हूँ, कोई इंसान कोई अपना दुख दर्द एकदम जाहिर करता है, तो एक दिल की बात निकलती आके कि रोना ये था कि 40,000 से तुम 42,000 कमा रहे हो, सडनली 15,000 पे आ जाओ, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर रही हूँ, 200-250 मरीज मेरे पास आते थे रोज, और आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी बुरी है कि तुम्हें एक दुख दर्द इमीजिएटली तुम्हारा एज ए लीडर झलकता है कि हाँ इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करोगे। तो एक तो वो अच्छी कंटेक्स्ट में था ही नहीं कि कोई पर्सनल बंदे ने मेरे से बात की और अपना दुख रोया, उसके कंटेक्स्ट में मैंने कुछ कह दिया, पर उसमें कोई भी कोई सीरियस इशू ऐसा नहीं था जिस हिसाब से उसको वायरल किया गया। मैंने उसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं किया, ना ही कोई उसमें, आप दोबारा उसको सुन लो, ना ही ऐसी कोई डायरेक्ट बात थी। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सरकार में आए हैं, हम बहुत अच्छा लोगों के लिए करें, पर इसके बारे में तो सीएम साहब और मंत्रालय ने देखना है। चाहते तो हम ये हैं कि हर घर में, वो तो सीएम साहब भी चाहते हैं हर घर में नौकरी हो, हर बंदा कमाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा, हम डिफरेंट शो करें कि हम अकाली दल से किस तरह से बेहतर हैं, और उसमें एक पैशन होता है काम करने का, उस कंटेक्स्ट में इंसान बात कर देता है। पर सरकार को बहुत कुछ देखना पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जो मेस में हमने पंजाब को इस टाइम पे पहुंचाया, अकाली दल ने पहुंचाया था, उसको उससे कैसे निकालना है। तो हम, मेरे जैसे बंदे जो इमोशनल होते हैं, वो कहते हैं इमीडिएटली ये काम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होते। वो ऐसा ही एक रिएक्शन था। मैंने शुरू से ही कहा था कि जो टकसाली अकाली दल है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते थे, जो एक रीजनल पार्टी है, जो पंजाब के लिए भला करती है, जिसने बहुत सैक्रिफाइस किया पंजाब के लिए, उनमें से एक ये गुंडा दल निकला, जो जिसको बहुत जरूरी था एक रास्ता, डिफरेंट रास्ता दिखाना। इसी गुंडा दल के बारे में मोदी साहब से भी बात की थी कि ये बीजेपी के साथ जो काम कर रहा है वो एक गुंडा दल है, इनसे दूर रहो, इन्होंने बर्बाद कर दिया पंजाब को। बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देती हूँ मैं अकाली दल के टकसाली लीडरों को, जिन्होंने कोशिश करके, मेहनत करके, ये जरूर कोशिश की कि इन गुंडों से अलग होके एक दोबारा से पंजाब के लिए एक रीजनल पार्टी का होना बहुत जरूरी है, ताकि हेल्दी कंपटीशन रहे। मेरे लिए पॉलिटिक्स एक हेल्दी कंपटीशन में है, जिसमें हम किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ मेरिट पे जो इंसान लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम करे, लोग उसको पसंद करें, और वही लोग आगे आए स्टेट की बेहतरी के लिए।